तुम्ही हो ना नैना? हाँ, मेरे पति की दूसरी रखेल। जुबान सुधार के बोलना। किसको बोलते रखेल? अपने पति को संभाल के रख। अच्छा, और तूने जो मेरे पति के ऊपर डोरे डाले हैं, उसका क्या करूं? आए हाय हाय, कितने नखरे हैं। अरे तेरा पति को तू खुद नहीं संभाल पाई, उसे क्यों बाहर मुंह मारने के लिए घूमने के लिए भेज दिया? मेरे पति को मैं क्या संभालती, जब तुम जैसी औरत उनके आगे पीछे घूमती हो ना, तो अच्छी अच्छी औरतों का भी जीना दुश्वार हो जाता है। मेरा जाए ठेंगा, समझ में आई? अपने पति को तू संभाल के रख है, घर में तू उसको यानी टाइम पे खाना नहीं देती है, उसकी केयर नहीं करती है। अगर तू उसको ध्यान से उसकी केयर करती, उसकी देखभाल करती, टाइम पे उसको खाना खिलाती, उसे प्यार देती, पति को और क्या चाहिए? अच्छा हाँ, तो तू देखने गई थी मेरे घर पे कि मैं अपने पति को प्यार देती हूँ या नहीं देती हूँ, मैं अपने पति का काम करती हूँ या नहीं करती? अरे जा साली, तेरा पति तुझ पे खुद नहीं संभाला जाता, बेवड़ा नालियों में मुंह मारता फिरता है। मैंने उसके ऊपर एक एहसान कर दिया, वो गलत फहमी में आ गया और मेरे घर आने लगा, तो क्या मेरे साथ में सोने आता है? कैसे कह सकती है मैं उसकी रखेल हूँ? अपनी जबान को लगाम दे। अगर मेरा पति नालियों में घूमता है ना, तो तू क्या करती है उसके साथ? वो ही आता है ना, मैं तो नहीं गई ना तेरे यहाँ मुंह मारने के लिए, रोक लेना उसको। अरे तो ठीक है ना, छोड़ ना उसका पीछा, क्यों पकड़ के रखा है तूने? अरे हाय, हे राम, अरे समझाओ कुछ इसको बेवकूफ को, पति अपना नहीं संभाल रहा और संभालने चली है दूसरे की बीबी को। तुम जैसी औरतों को पता है क्या कहते हैं? तुम जैसी औरतों को ना रखेल बोलते हैं। ए, जुबान सुधार के बोलना, नहीं तो जुबान के साथ साथ तेरी सांसें भी छीन लूंगी। तू मेरी सांसें छीनेगी? हाँ। अरे जिससे खुद अपना वजूद नहीं संभाला जाता, वो मेरी सांसें क्या छीनेगी? वजूद नहीं संभाला जाता, तेरे पे अपना पति नहीं रोका जाता। मैं तो फिर भी समाज में सर उठा के चलूंगी, लेकिन तू रखेल बन के रह जाएगी। रखेल बन के? अरे तू जैसी औरतें होती है जो अपने पति को प्यार और उसके लिए देखभाल नहीं कर सकती, और बाद में दूसरे की लड़कियों पर औरतों पर उंगलियां उठाती हैं। संभाल के खुद रखना, तो दूसरा क्यों मांग मारेगा? वाह वाह वाह, मेरे पति को मुझसे छीन कर बहुत खुश है ना तू? खुश तो होंगी ना। हेलो। हाँ, अरे देख प्रशांत, तेरी बीवी मेरे घर पे लड़ने के लिए आई है। मैंने तेरे साथ कौन सा गुनाह किया था? तू आया था ना मेरे घर पे, तुझे रास्ते में अगर तू नाली में पड़ा था और तुझे संभाल लिया मैंने, तो मैंने गुनाह कर दिया। तेरे जैसे मर्दों ने सिखा दिया है कि किसी को अगर रोड पे पड़ा है ना दारू पी के, तो उसको कभी वो नहीं करना चाहिए, सहारा नहीं देना चाहिए। अरे उस दिन हॉस्पिटल नहीं लेके जाती ना, तो आज जो अपने पति की दुहाइयां दे रही है ना यहाँ पे आके, मेरा पति मेरा पति। अरे रखेल की बात तो छोड़, उसके अंदर तो ये भी इंसानियत नहीं है कि उसको तूने बताया नहीं कि अभी तक? अरे जा साले भाड़ू, तुझे तो मैं बताऊं क्या करेगी तू, बात क्या करेगी तू इससे, लेकर कर इससे बात। अब यही सुनना बाकी रह गया था ना, एक रखेल जिसकी औकात नहीं है मेरे सामने खड़ा होने की। चुप, मैं उससे प्यार करता हूं। हाँ, तू उससे प्यार करता है, तो मैं क्या थी? काली कली थी। तेरा हंसते तो मना लेंगे। अरे और आगे क्यों, कोई कट करके ले लेंगे, एंडिंग तो करना ही है, करना ही है। अब तू और मैं सलाह मिलाएंगे कि ऐसे बेवड़े साले जो होते हैं, हम लोग समझदार हैं, आदमी अगर समझदार नहीं है तो औरतों को समझदार बन जाना चाहिए। ऐसों के मुंह पे मारना चाहिए ताकि ये अपने घर से मुंह ही दूसरे की तरफ नजर ना उठाए और ना दूसरे। अरे तो